बाय दिस टाइम मोशन में हम जो बेसिक कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल्स थे, वो डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हम ये बात कर चुके हैं कि मोशन कैन बी डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। हमें मतलब ये पता चल गया कि मोशन क्या होती है। दूसरी बात, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स पोजिशन है विद रेफरेंस टू विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। तीसरी बात, हमने पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात की। पॉइंट ऑफ ओरिजिन वो जहाँ से मोशन शुरू होता है, जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया। और फिर अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में ही चलता है, बिल्कुल भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो हम इस तरह की मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं। हमने कहा 9th क्लास में हम ज़्यादातर लीनियर मोशन पढ़ेंगे। तो लीनियर मोशन मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में वो चलता है, उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। अब लीनियर मोशन जब हम डिस्कस करने लगे, तो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो अगर लीनियर मोशन करता है तो भी उसका कुछ एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा, और अगर वो लीनियर मोशन नहीं करता है, अपनी डायरेक्शन बदल के किसी और जगह से चक्कर मार करके और फिर वहीं पहुँचता है जहाँ से वो लीनियर मोशन करता हुआ पहुँचा था, तो उसका एक्चुअल पाथ कवर्ड उसके जो फर्स्ट जब उसने लीनियर मोशन किया था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। तो डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया एज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, और इसको हम बोलते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। हाँ, यानी अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। उसका SI यूनिट जो है वो मीटर है। दूसरी बात ये हमने की कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते समय केवल उसका मैग्नीट्यूड ज़रूरी है, उसके साथ उसका डायरेक्शन नहीं बताना होता। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, बार बार डायरेक्शन चेंज करे, लीनियर मोशन करे ना करे, उसका एक्चुअल पाथ कवर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा जैसे जैसे मोशन होती है वैसे वैसे एक्चुअल पाथ कवर्ड यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बढ़ते जाता है। एक बात है। दूसरी चीज़ ये आप ध्यान रखें कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड हमने यूज़ किया। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। किसी भी रास्ते चल के ऑब्जेक्ट जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो लीनियर डिस्टेंस है, याद रखें, लीनियर डिस्टेंस मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक लाइन खींच दो, वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं, दो ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, यानी दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन खींच दो, वो स्ट्रेट लाइन इज़ ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री, इज़ ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इनिशियल पोजीशन से ऑब्जेक्ट चल के किसी भी रास्ते से फाइनल पोजीशन पर आया हो, अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस कॉमन हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, और वो हमेशा या तो एक्चुअल पाथ कवर्ड यानी डिस्टेंस के बराबर होगा। कब होगा बराबर? जब लीनियर मोशन हुआ होगा विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, और या फिर लेस देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, यानी लेस देन एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा, अगर नॉन लीनियर मोशन ऑब्जेक्ट ने की है तो। यहाँ तक हम अब तक बात कर चुके हैं। हमने कल की क्लास में देखा था कि किस तरह से अलग अलग रास्तों से होकर के डिफरेंट पाथ ट्रैवल करने के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट मेज़र किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। हाँ, जो भी पोजिशन में हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के फाइनल पोजिशन की जब हम बात करते हैं, अलग अलग टाइप के मोशन में हमने डिस्कस किया। सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि इनिशियल पोजिशन ए से चलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जब बी पे आता है, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड तो एक कर्व्ड लाइन है, हाँ, यानी ये डिस्टेंस है, और ये ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक लाइन खींच दी है हमने स्ट्रेट इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन के बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट है। जब वो घूम करके यहाँ पहुँचा, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड सी तक आने में, फाइनल पोजिशन तक आने में एक्चुअल पाथ कवर्ड जो है वो ये वाली कर्व्ड लाइन है, यानी 2πr का हाफ है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r + r दैट इज़
ए टू सी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो कि इसके डायगनल के बराबर है। अगर ये घूम करके डी पोजीशन पे पहुंच गया तो फाइनल पोजीशन डी है, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए डी होगा। हाँ, जो कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, जबकि एक्चुअल पाथ कवर्ड 2πr का 3/4 होता है, जो कि हमने कैलकुलेट करना सीखा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम करके पूरा कर्व्ड पूरा सर्कमफेरेंस घूम करके वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, आगे बहुत काम आएगी। फिर हमने एक रेक्टेंगुलर पाथ में भी मेज़रमेंट सीखा, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंसेस मेज़र किए जाते हैं, और हमने एक रैंडम एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा, और इसमें भी हमने कैलकुलेट करना सीखा किस तरह से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हमको कल एक बात करने को मिली थी, हमने कहा था कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हमने एक टेबुलर फॉर्म में मेज़र किया था। हमने कहा था कि जो डिस्टेंस है वो बेसिकली एक एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कहीं से भी गया हो, जबकि डिस्टेंस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरी बात हमने कही थी कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेक्टर एक ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी मेज़र करना पड़ता है, डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है। हम डिस्प्लेसमेंट को एस से मेज़र करते हैं, एस से एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, आपकी बुक में एक्चुअली डिस्टेंस को भी एस लिख दिया हुआ है कई जगह हम, लेकिन डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तब हम डिस्टेंस की जगह डी लिख लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह एस लिख लेते हैं, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम रहती है, मीटर एंड मीटर। लेकिन जो समझने वाली बात है, एप्लीकेशन बेस्ड अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है, पहली बात कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर मोशन हुई है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी ज़ीरो भी नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता अगर मोशन हुआ है तो। अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड ज़ीरो है इसका मतलब देयर इज़ नो मोशन, वहीं का वहीं ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह ही खड़ा रहता है तो हम उसको पोजीशन ऑफ रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हम आगे जगह जगह पर यूज़ करेंगे। उसके अलावा देखें एक और बात के हम कह रहे थे कि जो डिस्टेंस है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पाथ ट्रैवल्ड, वो किधर से जाके आया। जितना ज़्यादा आप लंबा चक्कर लगा करके डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपकी गाड़ी का डीजल उतना जलेगा, पेट्रोल उतना जलेगा। लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस रास्ते से होकर के डेस्टिनेशन पर ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो नहीं बदलेगा। आप चाहे यहाँ से आएँ, चाहे यहाँ से आएँ, चाहे उड़ के आएँ, चाहे कहीं से भी घूम घाम करके आ जाएँ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में खींची हुई सीधी लाइन है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में कंपैरिजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं या डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए। सिंपल बात है कि डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो तो हमेशा सेम रहता है। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, वो कभी भी इधर उधर भी नहीं मुड़े और सीधा ही चलता है, वापस भी अपने रास्ते नहीं आए, तो ए टू बी तक जाने के लिए इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में सिर्फ बराबर हो सकते हैं, उसके अलावा बाकी सारे केसेस में डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं। आप थोड़ा सा अपनी बुक पे भी नज़र मार लें एक बार कि आपकी बुक में क्या बातें लिखी हुई हैं।
अगर आप अपनी बुक को देखो, मेरे ख्याल से आप अब पढ़ रहे होगे आप अपनी बुक को, यहाँ तक बात हम कर चुके हैं, कल ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो अब हम बात जो करेंगे वो एक तो छोटी सी बात है, यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसके बाद रेट ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो एक एग्जांपल से आपको बात समझाते हैं कि समझो कोई ऑब्जेक्ट है, समझो कोई किसी ऑब्जेक्ट की हम मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हो आप कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस उसको हम देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो पहले एक सेकंड में 10 मीटर दूर पहुंच जाता है। मैं डिस्टेंस को मीटर में लिखूंगा, टाइम को सेकंड में लिखूंगा, अपने आप समझ जाएं। हम बार बार मीटर और सेकंड लिखने के बजाय ऐसा कर लेते हैं, एक टेबल बना रहे हैं हम छोटी सी समझने के लिए बात को, कि एक सेकंड में 10 मीटर दूर पहुंच गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दो सेकंड में 20 मीटर दूर पहुंच गया, तीन सेकंड में 30 मीटर दूर पहुंच गया, चार सेकंड में 40 मीटर दूर पहुंच गया, और 5 सेकंड में 50 मीटर दूर पहुंच गया। तो जब वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर था तब हम कह सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, और अभी लीनियर मोशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट 10 होगी, फिर 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, और ये हर एक सेकंड में हुआ, यानी 0 से 1 सेकंड के बीच टोटल टाइम 1 सेकंड लगा और टोटल डिस्टेंस 10 मीटर ट्रैवल हुआ। 1 to 2 सेकंड यानी अगेन 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में 10 टू 20 मूवमेंट हुआ, यानी 20 - 10 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। 1 सेकंड अगला 3 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में भी 30 - 20 10 मीटर मूव किया। 3 to 4 अगेन 1 सेकंड में 40 - 30 10 मीटर मूवमेंट हुआ, और सिमिलरली 4 to 5 सेकंड्स के बीच में भी 1 सेकंड में 50 - 40 10 मीटर का मूवमेंट हुआ। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाँ, इस तरह के मोशन को जिसमें इक्वल इंटरवल्स, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वी कॉल यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो टाइम गैप है वो स्मॉल होना चाहिए तो आपका मेजरमेंट ठीक होता है। शॉर्ट डिस्टेंसेस में ऐसा पॉसिबल भी है, यूनिफॉर्म मोशन आप प्लैनेटरी मोशन को कह सकते हो, आपके जो प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं उनका टाइम कभी भी चेंज नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या यूनिट टाइम में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो फिक्स्ड रहता है। इसलिए हमारे जो पूरा जो ईयर होता है वो एकदम मेज़र किया जा सकता है, कितने डेज इन अ ईयर होते हैं, या फिर हम कितने आर्स इन अ, हमारा जो रोटेशन होता है अर्थ का अपने एक्सिस पे, वो भी एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब अपनी व्हीकल चलाते हैं किसी ट्रैफिक वाली रोड पे तो हमेशा ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है कि हम यूनिफॉर्म मोशन, या बहुत देर तक ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिफॉर्म मोशन कर लें। आप 2-5 सेकंड के लिए कर सकते हो मे बी, लेकिन फिर उसके अलावा आपको कभी ब्रेक लगाना पड़ता है, आपके सामने कोई आ जाता है, आपको मुड़ना पड़ता है, ना तो आपका वो लीनियर मोशन है एक्चुअली और ना ही वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ द काइंड ऑफ मोशन इन विच अनइक्वल डिस्टेंसेस आर
कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है ये इसको अपन देखते हैं, अपने इधर ले चलते हैं इसको। इसमें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाया हुआ है, ठीक है। 9:30, 9:45, 10:10:15, 10:30, 10:45, 11 AM ये टाइम दिया हुआ है, यानी 15 मिनट्स क्या है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। अब इसमें यहां देखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ए इन मीटर 10 to 20, 10 meters 20 to 30, 10 meters 30 to 40, 10 meters 40 to 50, 10 meters 50 to 60, 10 meters एंड 60 to 70, 10 meters इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर 12 टू 19 यानी 7 मीटर 19 to 23, 4 meters 23 to 35, 12 meters 35 to 37, 2 meters 37 to 41, 4 meters 41 to 44, 3 meters Unequal distances are covered in equal intervals of time। आगे बात समझ में कि ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन है ना। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात थोड़ी कर रहे हैं अपन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal intervals of time। कुछ लोग लिख देते हैं unequal intervals of time। टाइम का इंटरवल हमेशा इक्वल रखना है, टाइम इंटरवल तो इक्वल इंटरवल, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, है ना। तो ये जो बात है ये आपने ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ मोशन की। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, रेट ऑफ मोशन। एक बात याद रखना, जब भी रेट की बात आएगी डिनोमिनेटर में टाइम होगा। हाँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, यानी जब भी रेट की बात आएगी टाइम की बात ज़रूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि रेट की बात हो रही है और टाइम की बात नहीं हो रही, मोशन के केसेस की बात कर रहा हूँ। तो when we are saying rate of motion, actually we are talking about speed। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हाँ कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसका मतलब वो कंटिन्यूसली अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आर डेफिनेशन। हम ये बात कर चुके पहले, तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड जिसको हम v बोल सकते हैं। हाँ, s मत बोलना स्पीड को, क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट होता है। s आप बोलोगे कि ज़्यादा अच्छा था कि s बोलते, लेकिन हम v बोलते हैं, हम वेलोसिटी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं v, और वही स्पीड के लिए कर लेते हैं। तो v जो है यानी स्पीड जो है, दैट इज़ रेट ऑफ मोशन, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आप डिस्टेंस को एस लिख सकते हो, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आपकी बुक यानी एनसीईआरटी उसको एस लिख रही है। आप डी भी लिख सकते हो, बता दो कि वेयर डी इज़ डिस्टेंस और एस इज़ डिस्टेंस, क्योंकि सिंबल्स का यूज़ करते समय आपको क्लैरिटी होना चाहिए। तो
स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब अगर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यूनिट मतलब 1 होता है ना, तो अगर टी का वैल्यू 1 सेकेंड हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वी इक्वल टू एस अपॉन 1। अब एस अपॉन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मैथ्स में, तो वी इज इक्वल टू एस लिख सकते हैं, हाँ। यहाँ से डेफिनेशन निकल जाएगी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नॉट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस के बराबर स्पीड होती है। स्पीड के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इसलिए स्पीड की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो स्पीड की यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड या मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हम अपने न्यूमेरिकल्स में कैसे लिखते हैं, मीटर पर मीटर अपॉन सेकेंड को हम लिखते हैं ऐसे, मीटर पर सेकेंड, हाँ, एम अपॉन एस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, हाँ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब हम लिखते हैं अपने पेपर पे तो थोड़ी सी जगह बच जाती है, ये लिखना थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, इसलिए हम एक अपॉन के लिए हम एक ऑब्लिक लाइन रख लेते हैं, है ना। तो मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या होता है, देखो कि इन आर डे टू डे लाइफ मोस्ट ऑफ द मोशंस आर नॉट यूनिफॉर्म मोशंस, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपन देते हैं कि अ कार मूविंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, ठीक है। अब जयपुर टू दिल्ली कोई सीधी लाइन का डिस्टेंस होगा ऐसा तो है नहीं, रोड घूमते 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 अल्टीमेटली दिल्ली तक पहुंचेगी, और जब जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो टोटल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ कवर्ड जो होता है उसको हम यहाँ पे डी लिख देते हैं, हाँ, एक्चुअल पाथ कवर्ड या डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार इज 250 किलोमीटर, ठीक है। जयपुर दिल्ली के बीच का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। अगर एक कार जयपुर से दिल्ली जाती है तो वो उसका एक्चुअल पाथ कवर्ड ये रहेगा और अल्टीमेटली वो दिल्ली में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, हुँ? तो समझो इसमें उसको टाइम लग गया 5 आवर, ही टुक 5 आवर्स टू रीच दिल्ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी एक ही स्पीड से लगातार चलता रहा होगा। हमारा फॉर्मूला तो कहता है कि उसकी स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन है, हाँ, मतलब हमारी जो स्पीड अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, s की जगह d लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर 250 किलोमीटर है और टाइम 5 आवर है तो स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलोगे कि सर आप तो कह रहे थे मीटर पर सेकंड होती है, फिर किलोमीटर पर आवर क्यों लिख दिया, जब बड़े डिस्टेंसेस होते हैं तो मीटर की जगह क्योंकि किलोमीटर यूज़ किया जाता है, सेकंड की जगह क्योंकि आवर यूज़ किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर लिख रहे हैं। हम बड़ा यूनिट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंसेस बड़े हैं। अगर बहुत छोटा डिस्टेंस हो, आप अपने पेपर पे एक लाइन खींच रहे हो और या पेपर पे एक चींटी चल रही है आपके,
और आप उसकी स्पीड लिखना चाह रहे हो तो आप उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख सकते हो कि आपके पेपर पे एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर चलती है कोई चींटी या 3 सेंटीमीटर, तो उसकी स्पीड कैसे लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड यूनिट टाइम, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 3 सेंटीमीटर इन एवरी 1 सेकेंड वो चल रही है। हाँ, यानी 1 सेकेंड में वो 3 सेंटीमीटर चलेगी, 2 सेंटीमीटर में वो 6 सेंटीमीटर चलेगी, 3 में 9 सेंटीमीटर चलेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता। चींटी भी चलती है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं करती, कार भी जो जयपुर से दिल्ली जा रही है वो भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं करती। जब कार जयपुर में चल रही है तो ट्रैफिक में चल रही है, उसकी स्पीड कम है, बार बार उसको ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना भी पड़ सकता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा रश हो गया, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स उसके आगे पीछे आ गए तो उसकी स्पीड बहुत कम हो गई। मे बी वो ऑन एन एवरेज 20-30 किलोमीटर पर आवर ही चल पा रहा है, इतना ट्रैफिक है। और फिर उसके बाद वो एक्सप्रेसवे पे चला गया, एक्सप्रेसवे पे उसको बहुत जगह मिल गई, 6 लेन का हाईवे मिल गया, तो 6 लेन की रोड पे फिर वो चलने लगा तो उसके आजू बाजू कोई हर्डल नहीं था, उसकी स्पीड उसने बढ़ा दी 100 किलोमीटर पर आवर। जब वो थोड़ी देर तक 100 किलोमीटर पर आवर चला तो रास्ते में टोल आ गया, उसको रुकना पड़ा, उसकी स्पीड हो गई 0 किलोमीटर पर आवर। फिर और आगे चला तो फिर उसकी स्पीड 100-120 कर ली उसने। इतने में रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, समझो कि पुलिस की चेकिंग हो रही थी या कुछ वो आ गए, भेड़ बकरियां आ गई सड़क पे, उसको फिर धीरे 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 5 किलोमीटर पर आवर चलना पड़ा। तो इसका मतलब वो इस पूरे पाथ पर कहीं कहीं पे तो तेज़ चल पाता है और कहीं कहीं पर वो धीरे चल पाता है। हाँ, तो उसकी एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकती इस पूरे रास्ते में। उसकी अगर हमने स्पीड निकालनी है तो उसकी स्पीड को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड, इसको आप वी कह रहे हो, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। द केस वी डिस्कस्ड रिसेंटली उसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन जयपुर टू दिल्ली इज 250 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर। दैट इज वाई उसका एवरेज स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। आप बोलोगे फर्क क्या पड़ा, वही तो बात हुई। वही बात नहीं, बात का मतलब ठीक से समझें कि इसका मतलब ये हो गया कि पूरे रास्ते वो 50 किलोमीटर पर आर की कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ नहीं गया है, कहीं उसकी स्पीड ज़्यादा थी, कहीं उसकी स्पीड कम थी। उसने कोशिश करी जल्दी से जल्दी पहुंचने की, हर कोई जल्दी पहुंचना चाहता है, लेकिन स्टिल कई बार हम नहीं चला पाते अच्छी स्पीड से, कभी कभी हमको बहुत स्लो चलना पड़ता है। कभी कभी हमको लिबर्टी मिल जाती है कि हम तेज़ चल सकते हैं, हालांकि कोई भी व्हीकल हो उसको लिमिटेड स्पीड पे ही चलाना चाहिए, उतनी स्पीड पे चलाना चाहिए जितनी स्पीड पे आप अपने व्हीकल को कंट्रोल कर सको। लेकिन यहाँ पर वो कभी ज़्यादा कभी तेज़ चलते चलते ही मैनेज्ड 250 किलोमीटर्स जर्नी इन 5 आवर्स। तो हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। ये उसका एवरेज स्पीड हो गया। अब एवरेज स्पीड के बड़े क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और कई बार हम एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस में फंस भी जाते हैं।
तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा आइडिया वेलोसिटी के बारे में भी ले लो, कि स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो फिर व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, यानी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है दोनों एक ही जैसी बातें, लेकिन एक फर्क आया, उस फर्क की वजह से उनकी एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाती है। यानी जब हम कहते हैं स्पीड, तो इसका मतलब वी डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन टू एक्सप्रेस स्पीड। समझाता हूं मैं आपको। जैसे हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, आपके पास एक कार है और आप एक स्टैचू सर्किल पे गोल गोल घूम रहे हो या जवाहर सर्किल पे गोल गोल घूम रहे हो। जो लोग बाहर जयपुर में नहीं है वो समझ जाएं कि जवाहर सर्किल और स्टैचू सर्किल जयपुर की जगहों के नाम है, है ना? तो सर्कल तो होता है सबके, आपकी सिटी में भी होता होगा, है ना? तो ये ऐसा सर्कल है। अब इस सर्कल पे घूमते 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 उसको बहुत देर हो गई ना, एक घंटे तक घूमते रहा ऐसे ही। हर व्हीकल में एक स्पीडोमीटर होता है और एक ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर जाहिर है उसके नाम से पता चल रहा है, स्पीड बताता है। स्पीडोमीटर में दिख रहा है कि कार जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर चल रही है। एक घंटे तक चलता रहा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, उसके लिए व्हीकल में एक और इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। याद रखना, ये पूछ भी लिया जाता है। ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन भी है। स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, नॉट वेलोसिटी, स्पीड बताता है किस तरफ जा रहा है। नहीं, वो किसी तरफ नहीं, वो तो गोल गोल घूम रहा है, वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वो कार जो है वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, हाँ, लेकिन जा कहीं नहीं रही। एक घंटे बाद भी वो वही है, उसका इनिशियल पोजिशन वो सर्कल था, उसका फाइनल पोजिशन भी वही सर्कल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं नहीं गई, हाँ, वो स्टैचू सर्कल पे ही है, जवाहर सर्कल पे ही है, जहाँ थी वहीं है। इट हैज़ नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, हम कहते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एस इज ज़ीरो, हाँ, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक घंटे में हो गया 30 किलोमीटर। अगर वो एक घंटे तक ऐसे ही गोल गोल इस स्पीड से घूमता गया, तो इन वन आवर द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट या दिस कार वुड बी 30 किलोमीटर, जबकि एक्चुअली वो कहीं गया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। व्हाट अ लॉस, पेट्रोल डीजल वैसे ही बड़ा महंगा हो गया है, हाँ, तो हम बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा था, तो वो बोलेगा ऐसे ही, उसको तो मज़ा आ रहा है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर वो ऑब्जेक्ट, अगर हम कह रहे हैं कि जयपुर टू दिल्ली कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, कोई कार चल रही 50 किलोमीटर पर आवर से, तो हम कहते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली या टुवर्ड्स दिल्ली, दैट इज द वेलोसिटी, हाँ, वेलोसिटी वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, हमेशा ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम थी, जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी था तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इसका मतलब जो स्पीड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एक्चुअल पाथ कवर्ड यानी डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, हमने पहले ही बात कर ली। वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, अगर कोई ऑब्जेक्ट
यहाँ से चल के वापस यहीं आ जाता है, इनिशियल पोजीशन पे, सर्कुलर पाथ पे चल के वापस आ जाता है। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन बराबर होती है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, तो फिर वेलोसिटी ज़ीरो अपॉन टाइम ज़ीरो होगी, होगी कि नहीं? लेकिन उसकी स्पीड ज़ीरो है क्या? उसकी स्पीड ज़ीरो नहीं है, उसका एक्चुअल पाथ जो उसने कुछ तो कवर किया है इन अ गिवन टाइम, हम कह रहे हैं उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आर है। 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ज़ीरो है, और वो बार बार बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। हाँ, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे आया उससे पता चलता है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और उस डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लिया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। समझ गए आप ये बात? न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। लेकिन थोड़ी सी बात और आगे करते हैं। हाँ, कि हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में, जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो हमने एवरेज स्पीड की बात की, तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की भी बात कर लें। एवरेज वेलोसिटी जो होती है, अगर देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज, ध्यान से मेरी बात सुनो, इफ देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, देन द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को अगर हम बोल रहे हैं वी एवरेज, तो वी एवरेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू प्लस फाइनल वेलोसिटी वी अपॉन टू। मीन ऐसे निकालते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओगे कि इफ कंडीशन है कि इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग इन विद अ कांस्टेंट रेट, लगातार एक कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही है वेलोसिटी विद द सेम रेट, तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू arithmetic mean of its initial velocity and its final velocity। ये बात बार बार काम आएगी हमारे कि initial velocity को हम u से और final velocity को हम v से denote करते हैं। हमेशा u is initial velocity, and v is final velocity। तो स्पीड और वेलोसिटी में आपको आई होप फर्क समझ में आया होगा। अब सवाल यह है कि एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो ऑब्वियसली आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, कि जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एट द बैक ऑफ द माइंड ये बात कभी ना भूलें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये बात हम कभी ना भूलें। जैसे अगर हम कल जो एग्जांपल ले रहे थे, अगर हम उस पे चले जाएं, कि कोई सर्कुलर पाथ है, हाँ देखो हमने थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ लिखा था, मैं इसको ढूंढता हूँ, इसमें नहीं है, तो हम इस पे ढूंढें,
हम कल बात कर रहे थे कि भाई एक्चुअल पाथ कवर्ड की हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि जो भी एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से चलता है। हमने कहा कि सर्कुलर मोशन पे इनिशियल पोजीशन समझो ये है, फिर वो बी पोजीशन पे चला गया जो कि 1/4 ऑफ द 2πr है, यानी टोटल इस सर्कुलर पाथ का 1/4 है। फिर सी पोजीशन पे चला गया जो इस पूरे पाथ का जस्ट हाफ है, 1/2 इंटू 2πr है। और यहाँ पर हमने कहा कि वो डी पोजीशन पे पहुँचा जो कि 3/4 ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड है। तो यानी हर केसेस में अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। यहाँ पे उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर ये हमने 7 मीटर का, कल 14 मीटर लिया था, कोई नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, 7 मीटर ले लो, हम 7 के मल्टीपल में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो पाई का वैल्यू है वो 22/7 है, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो हम एक बार मैं डिस्टेंसेस यहाँ पे आपको दोबारा से बता देता हूँ कि अगर ये पूरा चक्कर एक मारेगा तो 2π की जगह 22/7 इंटू आर की जगह अगर मैं 7 लिखूँगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ कंप्लीट सर्कल इज 2 × 22 44 मीटर होगा। जब वो इतना चलेगा तो 44 का 1/4 होगा यानी 11 मीटर, इतना चलेगा तो एक्चुअल पाथ कवर्ड इस 44 का हाफ होगा यानी 22 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 22 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 11 + 11 + 11 दैट इज 33 मीटर, और पूरा चक्कर मार लेगा तो 44 मीटर। ये क्या है, ये एक्चुअल पाथ कवर्ड यानी डिस्टेंस है। तो आपको अगर ये टाइम बता दिया जाए, जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई आप जब वो ये डिस्टेंस चलता है तो इसमें उसको एक सेकंड लगता है, 11 मीटर एक सेकंड में चला जाता है, ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ से 22 मीटर सी, ए टू सी जाने में उसको 2 सेकंड लग जाते हैं, ए टू डी जाने में उसको 3 सेकंड लग जाते हैं, पूरा चक्कर मारने में उसको 4 सेकंड लग जाते हैं। तो स्पीड क्या है, यहाँ पे है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, तो 11/1 दैट इज 11 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गई उसकी। अगर ए टू सी देखें तो स्पीड क्या हो गई, 22/2, ये भी 11 मीटर पर सेकंड हुई, या 33/3 यहाँ से यहाँ तक आने में भी स्पीड 11 मीटर पर सेकंड हुई, और 44/4 पूरा एक चक्कर मारने में जो उसकी स्पीड है वो भी 11 मीटर पर सेकंड हुई, यानी वो कांस्टेंट स्पीड से एक ही स्पीड से चल रहा है। स्पीड चाहे किसी भी पॉइंट तक जाने में कैलकुलेट करना पड़े, हम ये कहते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन है। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी, वेलोसिटी वुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि हम बात कर रहे थे इसमें कि वेलोसिटी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो ए टू बी जाने में अगर उसको 1 सेकंड लगा था और यहाँ पर जब रेडियस 14 मीटर हो, हमने कैलकुलेट किया था कल 19.79 मीटर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी 19.79/1 सेकंड होगी, यानी 19.79 मीटर पर सेकंड वुड बी द वेलोसिटी टू रीच ए टू बी। समझ में आए आपको बात, कि ये अगर हम देखें 2πr का 1/4, यहाँ पे 2πr कुछ और था, यहाँ पे जो 2πr का वैल्यू था वो 88 मीटर था, तो
तो उसका जो 1/4 था, ये जो एक्चुअल पाथ कवर्ड था वो 22 मीटर था। तो यहां पर हम स्पीड बोलेंगे 22 एक्चुअल पाथ कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन 1 सेकेंड, यानी 22 मीटर पर सेकेंड। यहां पे स्पीड है ए टू बी जाने में, स्पीड जो है वो 22 मीटर पर सेकेंड है और जो वेलोसिटी है वो 19.79 मीटर पर सेकेंड है। ए टू सी क्योंकि 44 मीटर चला है, 2 सेकेंड लगे हैं, हाँ, तो 44/2 ये भी 22 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ तक 66 मीटर चला है, टाइम 3 सेकेंड लगा है, तो ये भी 22 मीटर पर सेकेंड है। पूरा चक्कर लगाने में 88 मीटर चला है, हाँ, और टाइम 4 सेकेंड लगा है, तो ये भी 22 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि हर पार्ट चलने में टोटल जितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करना दिखा रहे हैं डिवाइडेड बाय गिवन टाइम, वो स्पीड तो हर केस में 22 मीटर पर सेकेंड आ रही है इस वाले सर्कल पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है, यहाँ से यहाँ ए टू बी 19.79 मीटर पर सेकेंड। जब वो यहाँ चला गया तो 14 + 14 दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड, हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज 28, तो अब वेलोसिटी लिखेंगे 28 मीटर पर सेकेंड ए टू सी। ए टू डी फिर 19.79 है डिस्प्लेसमेंट, तो 19.79 मीटर इन 1 सेकेंड, है ना, सॉरी इसमें यहाँ तक आने में 3 सेकेंड लगे हैं, तो 19.79 डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा तो 6 point something आएगा, इसमें भी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा तो 28/2 14 मीटर पर सेकेंड होगा। पूरा चक्कर मारने में 88 मीटर चला है, हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 होगी। पूरा चक्कर मारने में स्पीड तो 22 मीटर पर सेकेंड है लेकिन वेलोसिटी 0 है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। कल हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, हाँ, न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं आपकी बुक के एग्जांपल भी देख लेना, मैं वो भी लूँगा, और फिर उसके बाद आपको कई सारी रियल लाइफ सिचुएशन लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम किस तरह से स्पीड कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन कैसे होती है। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम कई बार अटक जाते हैं, तो बहुत ध्यान से उसको सीखना, आज तक जो पढ़ा है हमने उस बात को समझने की कोशिश करना कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। हम कल 2 मिनट में फिर इसको ब्रश अप करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।